इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से फ्री फायर के अंदर एरर डी कॉन्सनेक्शन डी रेड इस तरीके से दिखाता है तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये इशू किस वजह से दिखाई देता है, या तो आप अपनी फ्री फायर की जो है लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं तो तब ये दिखाई देता है, या आप किसी और कंट्री का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से दिखा देते हैं कि जो लैंग्वेज है ये चेंज है। बल्कि ये आपसे कह रहा है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन की ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें अब हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाना है और फ्री फायर को अपडेट कर लेना है सबसे पहले, अगर अपडेट आ रहा हो तो। ठीक है, उसके बाद बैक ला दीजिए और अपने जो है फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर जो है ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में जाइए और फ्री फायर को यहाँ से सर्च कर लीजिए। ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ, ये रहा हमारा फ्री फायर। और यहाँ पर जो अगर हमें रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज मिले तो उन पर तीनों पर टिक लगाकर ओके कर दीजिए, आपको इतना करना है। और यहाँ पर फ़ोन की परमिशन को स्टार्ट कर देना है, उसके बाद बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए। और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पर जाइए, डेट एंड टाइम पर जाइए और यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड पर टिक करके लगा दीजिए अगर ये आपको दिखा रहा हो। ठीक है, इतना आपको करना है, फिर बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए यहाँ से। और फिर जो है आप एक दफ़ा अपने सिम में जाइए, अगर सिम में इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा हो तो फर्स्ट सिम को खोलिए जिससे आप इंटरनेट चला रहे हो, और उसमें एक दफ़ा नेटवर्क को बंद करके उसको दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। इतना आपको करना है और आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। और इस तरीके से फ्री फायर के अंदर कनेक्शन तो ये वाला इशू फिर नहीं दिखाएगी। वैसे जो है एक अलग तरीके से लैंग्वेज पे लिखा हुआ आता है, तो या तो लैंग्वेज आपने चेंज कर रखी होगी या फिर आपका जो है वर्जन दूसरी कंट्री का है, तो इसी वजह से ये दिखाते हैं, अदरवाइज़ नहीं दिखाता। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।